मुस्लिम समाज का पवित्र माह रमज़ान चल रहा है, जिसके तहत सभी मस्जिदों में दूसरे जुम्मे की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन जारी है, जिसको देखते हुए उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जैदी, तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, थानाधिकारी जितेंद्र चारण ने मस्जिदों का जायजा लिया, लेकिन मस्जिदों में पाँच पाँच नमाजी ही मिलने पर पुलिस प्रशासन ने संतोष जाहिर किया। वहीं सुनी जामा मस्जिद पर में इमाम शमशुद्दीन कादरी ने जुम्मे की नमाज अदा करवाई और लोगों से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की। भी इस बीमारी ने भी अपने कदम जमा लिए हैं। जाहिर सी बात है, कोई मुसलमान ही नहीं चाहेगा कि मस्जिदों से दूर रहे, लेकिन ये मजबूरियां हैं, जान बचाना फर्ज है। इसलिए वो हजरात जो जुमा के रोज नमाजें पढ़ने के लिए जिद करते हैं मस्जिदों में आने के लिए, इमामों से बहस करते हैं या कमेटी से लड़ते हैं, या वो लोग जो तरावी पढ़ने के लिए जिद करते हैं या इंतज़ार में रहते हैं मस्जिदों में दाखिल होने के।